हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल्विन ट्यूमिंस का क्रिटिसिज्म, जो उसने क्रिटिसिज्म किया था डेविस एंड मूरे की थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को। ठीक है, तो मेल्विन ट्यूमिंस क्रिटिसिज्म ऑफ डेविस एंड मूरेज थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस, पहला पॉइंट जिसको वो क्रिटिसाइज वो करता है वो रिलेटेड टू है इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशंस। पोजिशंस यानी जॉब्स, ऑक्यूपेशंस वगैरह। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस की हमने बात की थी कि जो डेविस एंड मूरे हैं वो कहते थे कि कुछ जॉब्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट जॉब्स को सोसाइटी क्या करती है, उनके साथ हायर रिवॉर्ड्स देती है, और ताकि वो अट्रैक्टिव रहें और ताकि उनके ट्रेनिंग पे जो कास्ट लगती है वो भी जस्टिफाई हो जाए और लोग वो उस कास्ट को लेने के लिए तैयार रहें। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जॉब्स को वो फुलफिल करें और सोसाइटी का प्री रिक्विजिट जो है वो फुलफिल हो। और उन्होंने कहा था कि इम्पॉर्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकुलर जॉब पे कितनी और जॉब्स या कितने और लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो मेल्विन ट्यूमिन जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मेल्विन ट्यूमिन का मानना है कि ऑल पोजिशन इन द सोसाइटी आर इम्पॉर्टेंट, कि सारी की सारी जॉब्स जो हैं, सारी की सारी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे नहीं हम कह सकते कि कुछ इम्पॉर्टेंट है कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कहता है कि चाहे वो वर्कर्स हों, लेबरर हों, कोई किसान हों, डॉक्टर्स हों, मैनेजर्स हों, कोई भी हो, हर एक पोजिशन सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट होती है, मेल्विन ट्यूमिन का मानना है। और वो कहता है कि इम्पॉर्टेंस को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। कैसे आप, उसने डेविस एंड मूरे ने मेजर कर लिया कि जी डिपेंडेंस पे जितने ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि इम्पॉर्टेंस जो है सब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं। इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम नहीं बना सकते कि डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर से या नर्स से। सिचुएशनल होता है, सिचुएशंस के साथ मेजर में जो इम्पोर्टेंस है वो बदल जाती है। और हो सकता है एक पर्सन के लिए एक जॉब इम्पॉर्टेंट हो, दूसरे के लिए दूसरी। तो इम्पोर्टेंस जो है वो वेरी करती है, हर किसी का अलग नज़रिया हो सकता है, हर किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है इम्पोर्टेंस को लेकर। हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव हो गया कि मतलब हर कोई कहे कि हाँ भाई इस क्राइटेरिया के बेस पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन होने वाला है, पीएम साहब वहाँ पे आने वाले हैं, वहाँ पे बिजली की तारों में कुछ मतलब गड़बड़ हो जाती है, बिजली चली जाती है, वहाँ बिजली बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ तो एक लाइन मैन जो इलेक्ट्रीशियन है, छोटा मोटा वर्कर, उसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिचुएशन के हिसाब से कैसे एक छोटे से बंदे की इम्पोर्टेंस, एक छोटी सी जॉब की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो मतलब किस तरीके से सिचुएशनल पे डिपेंड कर सकता है, इसी तरीके से है ना इम्पोर्टेंस जो है। तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसका नहीं है। फिर ये कहता है कि मान लो कोई कुछ वर्कर्स हैं, ये एग्जांपल देता है मेल्विन ट्यूमिन कि वर्कर्स एक सोसाइटी, कोई ले लो वर्कर्स सोसाइटी के और या किसी फैक्ट्री के, उनको हम रिमूव कर देते हैं। किसी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको अगर रिमूव कर दिया जाए उस फैक्ट्री से, तो प्रोडक्शन पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स तो खुले हैं सोसाइटी में, फैक्ट्री में, तो उस चीज़ का दूसरे वर्कर काम कर लेंगे। लेकिन अगर मैनेजर्स नहीं, इफ सम वर्कर इन ए सोसाइटी आर रिमूव प्रोडक्शन में भी हम पर, अगर कुछ वर्कर्स फैक्ट्री के रिमूव कर दिए जाएँ तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ जाए, पर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजर्स कुछ रिमूव कर दिए जाएं तो प्रोटेक्शन जो है वो मेंटेन रह सकती है, उस पे असर पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैनेजिंग का काम ना भी हो कुछ दिन में तो वर्कर का काम चलता रहेगा, फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स वो प्रोड्यूस करती है वो चलती रहेंगी। लेकिन अगर वर्कर को रिमूव कर देंगे तो प्रोडक्शन में असर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तो वर्कर्स हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मैनेजर्स से, अगर प्रोडक्शन को देखा जाए। लेकिन फिर भी मैनेजर्स को मेल्विन ट्यूमिन बोलता है कि रिवॉर्ड ज़्यादा मिलती है, मतलब उनकी सैलरी, स्टेटस, प्रेस्टीज वगैरह हो गया, सैलरी होगी, पावर होगी, वो मैनेजर्स की ज़्यादा होती है। तो ये तो डेविस एंड मूरे की थ्योरी के खिलाफ हो गया। डेविस एंड मूरे के हिसाब से मैनेजर ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको बनाया हुआ है, और तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस तो वर्कर की ज़्यादा आ रही है। इसी तो ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंस सिचुएशनल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एंड डिफरेंट पोजीशन आर इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस।
कि कोई भी पोजीशन जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वो किसी भी सिचुएशन में उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशनल है। अनइक्वल रिवॉर्ड आर नॉट गिवन ड्यू टू इम्पॉर्टेंस। और फिर ये कहता है मेलविन ट्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अनइक्वल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो सैलरी ज़्यादा दी जाती है, प्रेस्टीज ज़्यादा दी जाती है, वो इसलिए कुछ जॉब्स के को इसलिए ज़्यादा नहीं दी जाती उन पे कि वो इम्पॉर्टेंट है, बट कि इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ पावर का रोल रहता है, पॉलिटिक्स का रोल रहता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स। तो ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, कौन सी पोजीशन को, कौन सी जॉब को ज़्यादा दिए जाएंगे, कौन सी को कम दिए जाएंगे, ये सोसाइटी में पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है, अमीर जो रिच पीपल हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहता है, वो ये चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि किस पोजीशन को ज़्यादा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कोई इम्पोर्टेंस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देता है मेलविन ट्यूमिन के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कुछ वर्कर्स हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्कर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर की जो सैलरी है, जो उनके रिवॉर्ड्स हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज। क्यों हैं? तो दोनों वर्कर हैं। डेविस एंड मूरे के हिसाब से दोनों का सेम होना चाहिए था, क्योंकि काम सेम है तो उनका रिजल्ट रिवॉर्ड भी सेम होना चाहिए था। लेकिन ये कहता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के कम है, क्योंकि ऑर्गेनाइज को जॉब सिक्योरिटी भी है, सब कुछ ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज में कम है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कहता है कि जो ऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, वो ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, उनको लॉ भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। तो मतलब इनके पास पावर ज़्यादा है ये, ज़्यादा अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं, सारे छुट्टी पे सारे हड़ताल कर देंगे, तो इसलिए इनके पास पावर ज़्यादा है, इसलिए फैक्ट्रियों को, फैक्ट्री बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इनके आगे झुकना पड़ता है, इनकी डिमांडें माननी पड़ती हैं। तो ये पावर पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन, कौन की जॉब के साथ रिवॉर्ड्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंस को लेकर। दूसरा पॉइंट जो है जिसको क्रिटिसाइज करता है मेलविन ट्यूमिन, वो है जो ये कहते थे कि हायर रिवॉर्ड्स जब मिलते हैं किसी पोजीशन के साथ, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उस पोजीशन पे ट्रेनिंग पे, डिग्री हासिल करने पे जो पैसा लगता है, जो टाइम लगता है, ठीक है, जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रेस लगता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए सोसाइटी क्या करती है, उन पोजीशन के साथ हायर रिवॉर्ड देगी, जैसे मैंने आईएएस की एग्जाम्पल दी थी डेविस एंड मूरे वाली वीडियो में। तो उसको मैंने लिखा है कि डेविस एंड मूरे कहते हैं कि चूंकि इम्पॉर्टेंट पोजीशंस जो होती हैं उनके साथ बहुत एक्सपेंसिव और इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है उनके लिए, सो इसलिए हाई रिवार्ड देती हैं सोसाइटीज़, ठीक है, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। लेकिन ट्यूमिन इसको कैसे क्रिटिसाइज वो करता है, वो कहता है ट्रेनिंग डज नॉट मीन ओनली सेक्रीफाइस। ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं है कि लोग सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, लोग कॉस्ट ही पे कर रहे हैं, लोग सिर्फ डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, मजबूरी में हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग से लोग सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में सिर्फ सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, लोग न्यू स्किल्स सीखते हैं, अपनी नॉलेज गेन करते हैं और उन लोगों को बेनिफिट भी होता है। हर कोई मजबूरी में ट्रेनिंग नहीं करता, कुछ लोग सिर्फ सीखने के लिए, टैलेंट हासिल करने के लिए, डॉक्टरी के मेडिकल टैलेंट हासिल करने के लिए, नॉलेज के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात वो कि ये कहता है कि जो रिवार्ड्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं टू सेक्रीफाइस। अगर मान भी लीजिए कि ट्रेनिंग में लोगों की कास्ट लगती है, कुर्बानियाँ लगती हैं, सेक्रीफाइस लगती है, तो जो रिवार्ड्स उस पोजीशन पे दिए जाते हैं वो फिर भी डिसप्रोपोर्शनेट हैं। मतलब रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी पोजीशन थी जहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइस आपकी बहुत ज़्यादा लग रही है, पैसा आपका बहुत लग रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन रिवार्ड्स कम है, ऐसी बहुत सारी पोजीशन है, ठीक है। और कुछ हैं जिसमें सेक्रीफाइस कम लग रही है, रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा है। मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए पुलिस मान लीजिए, ठीक है, तो मैं जैसे अभी पुलिस में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और रिवार्ड्स हमारे कितने, हमें सैलरी जो मिलती है अभी फ़िलहाल मान लीजिए 60,000, ठीक है, लेवल 8 पे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें, ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर ले रहे हैं, तो उसमें ट्रेनिंग वगैरह बहुत कम, ठीक है, ट्रेनिंग कम, कोचिंग वोचिंग उतनी नहीं लेनी पड़ेगी, कंपटीशन कम है, ठीक है, उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना एक मतलब यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम को करने वाला बात होती है, ठीक है। अगर पुलिस में गजटेड ऑफिसर बनते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें तो कम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पावर है, पावर ज़्यादा मिलती है, लेकिन ओवरऑल सैलरी जो है, सैलरी की बात करें तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है, आप और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हो। तो बात ये है कि प्रोपोर्शनेट नहीं है, सेक्रीफाइस आपको ज़्यादा कई बार जगह आप दे रहे हो, रिवार्ड्स कम मिल रहे हैं, कई जगह पे सेक्रीफाइस कम है, रिवार्ड ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मतलब ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म मोटिवेशन को लेकर है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन को वो ये कहते थे डेविस एंड मोरे, कि जब सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी है, कुछ लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोअर लेवल पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कहते थे कि लोग मोटिवेटेड रहेंगे, जो लोग लोअर लेवल पे हैं, जो वर्कर हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि वो वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो मैनेजर की पोस्ट तक जाएं, मैनेजर चाहेगा कि वो आगे ऊपर पोस्ट में जाए, ठीक है, हमेशा लोअर वाले मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि और जो आम लोग भी होते हैं, हर कोई इंडिया में जैसे बड़े बड़े जो भी स्टूडेंट हो, अच्छा जिसका इंटेलिजेंट हो, वो आईएएस वगैरह बनने के लिए जाएगा, ठीक है, आईपीएस वगैरह, नहीं तो स्टेट पीएससी, हर कोई अपने मोटिवेटेड है, हर कोई के चाहता है कि वो इन पोजीशन पे जाए, क्योंकि यहाँ पे हायर रिवार्ड्स हैं, ठीक है, स्टेटस इतना ज़्यादा है, सैलरी इतनी ज़्यादा है, हर कोई चाहता है कि वो यहाँ पे जाए, तो इसलिए जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो इनइक्वलिटी है, लोगों को मोटिवेट करती है। दूसरी ये बात कि अगर सबको आईएएस को भी उतनी सैलरी मिले और एक प्लम्बर को भी उतनी सैलरी मिले, तो फिर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा, जब सैलरी सेम है, जब स्टेटस सेम मिले या पावर भी सेम मिले, तो हर कोई चाहेगा कि वो प्लम्बर ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटिफिकेशन का क्या काम था, डेविस एंड मोरे बोलते थे कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मेलविन ट्यूमन कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है लोगों को मोटिवेट नहीं करती है, बल्कि ये बैरियर्स क्रिएट करती है, रुकावटें क्रिएट करती है मोटिवेशन के सामने, ठीक है, ये तो उल्टा लोगों को डीमोटिवेट करती है। कैसे, ये बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जब होती है तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना बहुत सारे, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, उनको मौके मौका ही नहीं मिलता। कौन बोलता है ये, मेलविन ट्यूमेन। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि एक गरीब है, गरीब के बच्चे हैं, तो उनको तो बेटर एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं मिलता, वो तो बेटर स्कूल्स में जा ही नहीं पाते, उनकी तो वहाँ पे मतलब इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अच्छे स्कूल्स में जाएं, किताबें खरीद सकें, पढ़ पाएं, ठीक है। तो चाहे वो जितने मर्जी टैलेंटेड हों, जब वो अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन की तो बात ही नहीं आती, इनइक्वलिटी की वजह से, जब सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, तो जो लोग लोअर लेवल पे हैं वो लोअर पे ही रह जाते हैं, रिच जो हैं वो रिचर बनते जाते हैं, और जो पोर हैं वो और ज़्यादा पोरर होते जाते हैं, और ज़्यादा पोर होते जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा अपना टैलेंट शो करने के लिए, ठीक है, ये कहाँ से ऐसा करेंगे। तो इनइक्वलिटी की वजह से जो है ये सब हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो मैं कभी कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट के रिलेटेड मेरी एक वीडियो की सीरीज आएगी, उसमें मैं वो क्लियर करूँगा कि रिच रिचर बन रहे हैं, पोर पोर है, तो इसके रिलेटेड एक इफेक्ट है, वो आप जो है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, आर के मर्टन ने वो दिया था, आर के मर्टन सोशोलॉजिस्ट है, उसने वो इफेक्ट दिया था, जिसको बोलते हैं, उसका क्या नाम था, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है, बाइबल पे था वो, बाइबल की एक बुक थी, तो उस पे उसके रिलेटेड था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो बाद में आएगा तो मैं बता दूंगा, मैथ्यू इफेक्ट, हाँ मैथ्यू इफेक्ट याद आ गया मुझे, मैथ्यू इफेक्ट, ठीक है। तो ये मैथ्यू इफेक्ट के बारे में आप पढ़ भी सकते हो, मैं भी कहीं कभी वीडियो बना दूंगा। तो मैथ्यू इफेक्ट भी सोशियोलॉजिस्ट आर के मट्टर ने ये साबित किया है कि रिच रिचर होते रहते हैं, पोर पोरर होते रहते हैं, पोर होते रहते हैं इस स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, ठीक है। फिर उसकी वजह एक और ये बात कहता है मेलविन ट्यूमेन इसी मोटिवेशन के खिलाफ, कि मोटिवेट तो नहीं डीमोटिवेट करिए स्ट्रेटिफिकेशन, कि
कि जो लोग हायर रिवार्ड्स मिल रहे हैं ना, जिन लोगों को, जो लोग टॉप पे हैं ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी अच्छी इंपॉर्टेंट जॉब्स पे हैं, सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट जॉब पे, वो भी दूसरों को अब बैरियर्स क्रिएट करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पोजीशन पे कोई और जाए, वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे मेलविन टुबमैन ने एग्जाम्पल दी थी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग एक बार डॉक्टर्स बन जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशंस में टॉप पोस्ट पे आ जाते हैं, वो फिर सारे क्या करते हैं, अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप बना लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो सब अब जैसे इंटरव्यूज लेंगे नए वाले बच्चों का, डॉक्टर वॉक्टर का यही लेंगे, एग्ज़ाम यही सेट करेंगे। तो वो ये पूरी उनकी कोशिश रहती है उन सब की, कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो दूसरे और लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ना आ पाए, ना सेलेक्ट हो पाए, वो वहाँ को नहीं करेगा, सब करप्शन वगैरह सब चलता है, और ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके अपने ही बच्चे इन पोस्ट को ज्वाइन करें। ठीक है, तो वो ये कि अमीरों के बच्चे तो अमीर बनते जाएंगे, गरीब के बच्चे पहले पहुँच भी नहीं पाएंगे, अगर पहुँचेंगे कभी उस एग्ज़ाम तक, वो इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, कहीं तक पहुँचेंगे, तो उनको ये लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है एक ऑलरेडी टॉप पोजीशन पे चले भी जाएं, तो वो बाकियों को फिर वो नहीं आने देते। इसीलिए जो अमीर हैं वो बड़े बड़े स्टेटस ग्रुप भी बना लेते हैं अपने, ठीक है, खुद में ही आपस में ही शादियां भी करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी प्रॉपर्टी जो है किसी और कास्ट, किसी और क्लास के पास ना जाए, आपस में ही रहे। तो ये सब इस तरीके से ये लोग बैरियर क्रिएट करते। फिर मैंने कहा था कि डेविस एंड मूरे का एक अजम्पशन था कि सोसाइटी में टैलेंट सिर्फ लिमिटेड लोग ही टैलेंटेड हैं, और उसको भी उसी पे उनकी बेस थी थ्योरी, तो उसको भी ये मेलविन ट्यूमेन ने क्रिटिसाइज़ किया। ये कहता है पहली बात, कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है हमारे पास कि टैलेंट को मेजर कर पाए, तो तुम्हें भाई कैसे पता चल गया कि लिमिटेड टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट को मेजर कैसे तुमने कर लिया। इसलिए कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि टैलेंट लिमिटेड है, क्योंकि मेजर कर ही नहीं सकते, तो पता कैसे चलेगा। दूसरी बात ये बोल रहा है कि इसीलिए फिर ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लिमिटेड टैलेंट हो, पॉसिबल है कि लार्ज पूल ऑफ टैलेंट जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ये इसने कहा कि एक पॉसिबिलिटी लार्ज टैलेंट की भी है, जब मेजर ही नहीं कर सकते तो हम यही क्यों माने कम है, हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादा है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। आखिरी क्रिटिसिज्म है पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन को, क्योंकि जो डेविस एंड मूरे थे वो फंक्शनलिस्ट थे, डेविस एंड मूरे फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, मैंने साबित भी किया थ्योरी में, मैंने बताया भी था कि वो कहते थे जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, ये जो इनइक्वेलिटी है ये यूजफुल है सोसाइटी के लिए, इक्वेलिटी वर्स्ट फॉर्म ऑफ, जो मतलब इक्वेलिटी जो है वर्स्ट है, इनइक्वेलिटी सोसाइटी के लिए यूजफुल है, ये कहना था डेविस एंड मूरे का। ठीक है, मतलब वो सोसाइटी को क्या करता है, ऑर्डर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑर्डर क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में, सोसाइटी इसी की वजह से एग्जिस्ट करती है, मोटिवेशन क्रिएट करता है, इंटीग्रेशन होती है सोसाइटी में, कन्फ्लिक्ट नहीं होते, ठीक है, और ट्यूमिन इसके खिलाफ है, ट्यूमिन कहता है नहीं इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन सोसाइटी में नहीं क्रिएट करती, बल्कि स्ट्रेटिफिकेशन, बल्कि इनइक्वेलिटी जो है वो दुश्मनी पैदा करती है, शक पैदा करती है लोगों में, और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करती है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन क्रिएट होती है, जो लोग स्ट्रेटिफिकेशन में निचले तबके के लोग होते हैं, लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनमें फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन पैदा होती है, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका में ब्लैक्स लोग जो हैं वो उनको वो एक्सक्लूडेड हैं, सोशली एक्सक्लूडेड हैं, कई बार उनको तो पहले वोटिंग पावर नहीं होती थी, ठीक है, वोटिंग पावर उनके पास नहीं होती थी, अच्छी जॉब्स में वो नहीं जाते, ग्लास सीलिंग का इफेक्ट है, इसके बारे में भी मैं ये कभी क्लियर करूंगा कि क्या होता है, बेसिकली अभी आप जिनको पता है वो लिख सकते हैं, ग्लास सीलिंग अफेक्ट आ जाता है, ठीक है, एक एक लेवल तक जाके उसके बाद ब्लैक्स लोग जो हैं आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है, आगे उनके लिए रुकावटें हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, तो वो लोग तो एक्सक्लूड हो गए, ठीक है, वो लोग तो एक्सक्लूड, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, कोई मैरिज नहीं करना चाहता कुछ, वो गेटोज में रहते हैं, उनकी लोकेलिटीज अलग होती हैं टोटली, ठीक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनके रिलेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये लोग तो ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, ये ऐसे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हुए हैं, प्रेजुडिसेस हैं, इसी तरीक़े से इंडिया में लो कास्ट हैं,
लो कास्ट और अपर कास्ट में कितनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी आप जानते हो, कितना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है आप जानते हो, कितना ज़्यादा ये एक्सक्लूडेड फील करते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है इंडिया में कास्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, कास्ट क्या है, मैंने बात की थी कि कास्ट एक फार्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ये भी हमारे सिलेबस में, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, कास्ट एक फार्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही तो है। जैसे कास्ट में टॉप पे ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियाज हैं, ठीक है, इसी तरीके से एंड फिर वेश्या आ गए, फिर शूद्र आ गए। तो स्ट्रेटिफिकेशन ही तो हुई लेयर फॉर्मेशन। टॉप पे एक ये कैटेगरी है, फिर ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ठीक है। और ये जो लोअर कैटेगरी के पीपल हैं, इनको टॉर्चर किया जाता है, ये सोशली एक्सक्लूडेड हैं। इनमें और टॉप वालों में और बाकी में आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और ये तो सब जानते हैं इंडिया में कितने कास्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कहीं पे आपको इंटीग्रेशन दिखती है, वो कहीं पे ये ऐसा है कि ये सारे लोग जजमानी सिस्टम जैसे पहले होता था विलेजेस में, चूंकि बहुत जिसको माना जाता था कि फंक्शनल है। ठीक है, कि जो जो टॉप के ब्राह्मण्स थे वो इनको रिलीजियस सर्विस देते थे, ये उनको सोशल सर्विसेज देते थे ब्राह्मण्स को, ये उनकी बाल कटिंग करना और जॉब्स वगैरह करना उनके लिए, और वो इनको रिलीजियस टाइप की सर्विस, इनकी शादियां करवाना, ठीक है, हवन करवाना, रिचुअल्स करवाना, ये करते थे। तो एक फंक्शनल तरीका पहले होता था, लेकिन अभी क्या है, कास्ट कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट है, तो ये कौन कहता है, मेलविन ट्यू में। तो ये हमने पांच क्रिटिसिज्म पढ़े, और इन पांच क्रिटिसिज्म को लेकर, ये जो पांच मेलविन ट्यूमेन का क्रिटिसिज्म है, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद है, मैंने जब मेन लिखा था तो उसमें आया था। ठीक है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू।